ब्राज़ील की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित एक खूबसूरत देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई आबादी वाला देश भी है। दोस्तों, ब्राज़ील शब्द का अर्थ है आदमी की तरह लाल, जो कि ब्राज़ील उड़ नामक पेड़ से लिया गया है, और हर साल ब्राज़ील में 60 लाख से अधिक पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न वर्षावन का 2/3 हिस्सा ब्राज़ील में आता है, और ब्राज़ील अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक हवाई अड्डे मौजूद हैं। दोस्तों, जिस तरह अपने भारत देश में क्रिकेट लोकप्रिय है, उसी तरह ब्राज़ील में फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल है। आपको बता दें कि ब्राज़ील देश ने किसी अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा बार 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ब्राज़ील के बाद जर्मनी और इटली संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आते हैं, जिन्होंने 4 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। दोस्तों, ब्राज़ील देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ब्रासिलिया है, जबकि ब्राज़ील का कुल क्षेत्रफल 85,15,767 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के 5वें स्थान पर आता है, जबकि इस देश की 91% आबादी शहरी भाग में रहती है, जबकि 9% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। 200 वर्ल्ड मीटर वेबसाइट द्वारा ब्राज़ील के मौजूदा समय में कुल जनसंख्या 21,85,16,203 है। जनसंख्या के आधार पर ब्राज़ील विश्व के 7वें स्थान पर आता है। दोस्तों, ब्राज़ील की राष्ट्रीय भाषा पुर्तगाली है। इसके अलावा इस देश में 170 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जबकि इस देश की मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ब्राज़ील दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी GDP $1.9 trillion इतनी है। ब्राज़ील में 26 राज्य और एक संघीय जिला है। ब्राज़ील में नील नामक दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो अमेज़न वर्षावन से होकर बहती है। दोस्तों, ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा करता है। ब्राज़ील में बंदरों की 131 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। दुनिया के सबसे अधिक अरबपति की लिस्ट में ब्राज़ील 8वें स्थान पर आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्राज़ील की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएगा, ताकि ऐसे जानकारी वाली वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहें। और दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म कौन सा है, ईसाई, हिंदू या मुस्लिम? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ब्राज़ील के मौजूदा समय में कुल जनसंख्या 21,76,34,303 है, जिसमें सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म आता है, जहाँ पर ईसाई धर्म की आबादी 16,01,13,603 है, जो ब्राज़ील का 73.57% आता है, जबकि ब्राज़ील में मुस्लिम आबादी 15,30,503 है, जो ब्राज़ील का 0.70% आता है, जबकि ब्राज़ील की बौद्ध आबादी 2,82,903 है, जो ब्राज़ील का 0.13% आता है, जबकि यहूदी आबादी 1,30,103 है, जो ब्राज़ील का 0.06% आता है, जबकि ब्राज़ील में हिंदू आबादी 21,803 है, जो ब्राज़ील का 0.01% आता है, जबकि ब्राज़ील में नास्तिक लोगों की आबादी 5,63,30,903 है, जो ब्राज़ील का 25.88% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, ब्राज़ील में ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्राज़ील की मस्जिदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, कुछ वेबसाइट के मुताबिक ब्राज़ील में वर्तमान समय में 150 से अधिक मस्जिद मौजूद हैं, लेकिन वहाँ के मुस्लिम आबादी के आधार पर मस्जिदों की संख्या की बात की जाए तो ब्राज़ील के 15,30,500 मुस्लिम आबादी के लिए करीब 450 से अधिक मस्जिद हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में ब्राज़ील देश की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जानकारी वाली वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है, अमेरिका, रूस, चीन या भारत? इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।